हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, और उसको मुझे अदर में कन्वर्ट करना है। तो अदर में हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। वैसे तो इस टेक्निक को आप किसी भी तरीके में यूज कर सकते हो। मतलब आपको अदर्स में कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो, कोई भी बेस दिया हो, आप किसी भी बेस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो चार हमारे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इन चारों में ज्यादातर क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको कोई और भी दे सकती है, बेस 3 दे दिया, बेस 9 दे दिया, 12 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप ये टेक्निक सारों में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो है वो स्पेशली इन चारों में डिस्कस करेंगे कि भैया डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, लेट्स से हमारे पास नंबर है 19.35 और बेस क्या है 10। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं बेस 2 में, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो करना क्या है, ये जो हमारा डॉट है, ये जो हमारा यहां पे डॉट है जिसको हम रेडिक्स, या इसको हम यहां पे करना क्या है, इसके जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में है, उनको क्या करना है, डिवाइड बाय 2, मतलब जो भी हमारा डिजायर्ड है उससे डिवाइड करना है, और जो राइट वाले हैं उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। हमेशा बस यही टेक्निक आपको लगानी है। तो बस फटाफट से कर देते हैं, 19 को अगर हम डिवाइड बाय 2, इसको सिंपली डिवाइड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या है कि लगातार आपको करते जाना है। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, ये हमारा सबसे पहले किस पे जाएगा, 9 पे गया, तो 9 पे रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 1, फिर 2 पे गया, और ये फिर हमारे पास जो है 4, रिमाइंडर क्या आया 1, फिर 2 पे गया 2, रिमाइंडर क्या आया 0, फिर 2 पे गया और ये हमारा 1, और रिमाइंडर क्या आया 0। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सक्सेसिव डिवीजन करनी है जब तक आपका रिमाइंडर 1 या 0 ना आ जाए। ऑब्वियसली लास्ट में या तो 1 आएगा या 0 आपका जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो अब आपको ये वाली बिट को क्या मान लो LSB, और ये वाली बिट आपकी क्या है MSB। हमेशा जो है नीचे से रीड करना स्टार्ट करना है, ताकि ये हमारा जो है वो बिल्कुल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट में आए और ये मेरी बिल्कुल राइट में आए। तो क्या लिखोगे इसको, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। तो ये हमारे पास हो गया डॉट से पहले वाला। अब जो डॉट के बाद वाला, मतलब क्या है हमारे पास 35.35। तो 0.35 इंटू 2 करोगे क्या आंसर आएगा, 0.70। तो देखो, पॉइंट से इधर अभी कोई नंबर है, बाय डिफॉल्ट 0 ही है, तो आप 0 को यहां पे लिख लो। फिर क्या करो, 0.70 को मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आएगा 1.40। गेटिंग द पॉइंट, 1.40। तो करना क्या है, इस 1 को यहां लिख लो, बाकी को उठा लो, मतलब ये 1 यहां पे लिख लिया, अब बचा क्या 0.40। अगेन इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, क्या आया 0.80। मतलब इसके इधर क्या है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, यानी 0 ही है। फिर 0.80 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 1.60। गेटिंग द पॉइंट। तो इस 1 को यहां पे लिख लो। मतलब इस तरीके से आपको करते जाना है। तो 3-4 पॉइंट तक अगर आप कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो यहां पे हमेशा स्टार्ट करना ऊपर से, रीड करना, मतलब सबसे पहले नंबर से आपको रीड करते हुए नीचे तक जाना है, और यहां पे नीचे से आपको ऊपर मानना है। ये बस पॉइंट याद रखना कि जो लेफ्ट साइड में जब डिवाइड कर रहे हो, तो ये मेरी MSB है, ये मेरी LSB बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो इसको इस तरीके से लिखना है। और जो ये मेरा डॉट के बाद वाले को आप कर रहे हो, इसको सिंपली आप एक एक करके जैसे से आप करते जा रहे हो, उसी तरीके से ही आपको क्या करना है, रीड करते जाना है। तो उसी तरीके से अगर आप रीड करोगे तो क्या आएगा, 0 1 0 1। गेटिंग द पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कन्वर्जन होगी किसमें, बाइनरी में आपकी कन्वर्जन होगी। तो ये हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब आपको अगर ऑक्टल में करना है, इसी को ही अगर आपको ऑक्टल में करना है, तो भैया करना क्या है, मतलब हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास ऑब्वियसली डेसिमल में है, और करना है मुझे किसमें, ऑक्टल में। अगेन वही पॉइंट कि भैया जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या करना है, डिवाइड बाय 8, जो भी मेरा डिजायर्ड है, और जो राइट हैंड साइड है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 8। तो फटाफट से कर लेते हैं, 19 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 8 से, अगेन सक्सेसिव, तो ये आपका 2 और रिमाइंडर क्या आया 3। तो अगेन ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी MSB बिट है, और ये मेरी क्या है, LSB बिट है। मतलब इसको क्या लिखेंगे, 23। नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, मतलब 2, फिर हमने 3 रीड किया, तो ये क्या बन गया मेरा, इस तरीके से बन गया मेरा बेस 8। लेकिन अभी 0.35 को भी करना है, तो 0.35 को क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 28।
2.80. तो करना क्या, बस इस 2 को इधर लिख लो, 0.80 को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लो। तो 0.80 को दोबारा से मल्टीप्लाई किया 8 से, तो क्या आया 6.4। तो 6 को यहां लिख लो, 0.40 को अगेन क्या करो 8 से मल्टीप्लाई। तो अगर हमने दो पॉइंट तक कर लेते हैं, आप चाहे बाद में इसको फर्दर भी तीन चार पॉइंट तक कर सकते हो, तो क्या आंसर आएगा 23.26। इसको रीड करना सिंपली ऐसे 2 और फिर ये 6 और बेस हमारे पास क्या बन गया 8। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। छोटा सा पॉइंट याद रखना कि जब हम बेस में देखो, यहां पे मेरा बेस क्या था 10, मतलब जो मेरा नंबर है वो बेस है 10, और मैंने कन्वर्ट किसमें किया 8 में। तो देखो जब 8 में कन्वर्ट किया ना, तो ये 19 था और ये कितना हो गया 23। जब हम छोटे बेस में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है, और जब हम बड़े बेस में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें 19.35 हमारे पास बेस है 10 और इसको कन्वर्ट करना है लेट से मुझे 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो अगेन भाई 19 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 पे गया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 3। तो यानी 13.13, ये वो वाला 13 नहीं, इसको ये मत लिख लेना, डी नहीं लिखना इसको हेक्साडेसिमल में जैसे हम डी लिखते हैं, नहीं ये 1 और 3 है, गेटिंग द पॉइंट, दो अलग अलग डिजिट है 1 एंड ये क्या है 3। तो 13 डॉट और ये हमारे पास क्या है 0.35 इनटू क्या करोगे 16 करोगे तो क्या बन जाएगा 5.60। तो 5 को यहां लिख लो और 0.60 को दोबारा से फिर करोगे 16 से, तो ये बन जाएगा गेटिंग द पॉइंट। तो यानी ये क्या बन गया 0.60 इंटू 16 करोगे तो 0 और 9, गेटिंग द पॉइंट। तो 9 को बस यहां पे लिख लो और इस तरीके से आप फर्दर करना चाहते हो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। वैसे ये मोर देन सफिशिएंट है, दो पॉइंट तक अगर आप निकाल लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो देखो ये हमारा क्या बन गया बेस 16। तो ये देखो यहां पे नंबर जो है जब हमने बड़े बेस में कन्वर्ट किया तो नंबर की वैल्यू क्या होगी छोटी, यहां 19 था यहां कितना रह गया 13, और जब हम छोटे बेस में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर क्या बन जाता है बड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका जो पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे बस इतना ही याद रखना कि डेसिमल से जब हम अदर में कन्वर्ट करते हैं, जो भी मेरा अदर्स होगा, जो भी मेरा अदर्स में होगा, जो भी मेरा nth वाला बेस दिया होगा कि भैया इसमें कन्वर्ट करो, तो करना क्या है, जो मेरा डॉट है, डॉट से पहले वालों को, डॉट से पहले वालों को क्या करो आप डिवाइड बाय n, और डॉट के बाद वालों को क्या करो मल्टीप्लाई बाय n। बस ये पॉइंट याद रखना। तो बाइनरी में किया तो डिवाइड बाय 2 डॉट मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 8 डॉट मल्टीप्लाई बाय 8, डिवाइड बाय 16 डॉट मल्टीप्लाई बाय 16। तो आपको कोई भी nth में करना है तो डिवाइड बाय n डॉट मल्टीप्लाई बाय n, डॉट के बाद मल्टीप्लाई और उससे पहले डिवीजन। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।